हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल संगीता डिज़ाइनर। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए हम एक स्लीव्स की देखिए सुंदर सी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए मैंने फ्रेंड्स स्लीव्स देखिए पहले से ही कट करके रखी। देखिए मैं इसकी आपको लंबाई चौड़े बता दें। देखिए इसकी लंबाई 8 इंच है और देखिए मुझे 8 इंची चाहिए है। तो देखिए नीचे हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो देखिए परफेक्ट आ जाएगी हमारी 8 इंची। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्लीव्स की देखिए पहले से कटिंग थी। और देखिए हम फ्रेंड्स इस स्लीव्स में देखिए पहले देखिए हम ऊपर की साइड देखिए फ्रेंड्स शोल्डर कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको अब इस तरीके से रख दे रहे हैं। तो देखिए अब हम इस तरीका की ये कि इसमें पट्टी ले रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरीका से अब हम देखिए शोल्डर के लिए देखिए इसकी पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने 2 इंच देखिए चौड़ाई ली है इसकी। देखिए 2 इंच पर हमने चौड़ाई पर देखिए इस तरीके से देखिए टिक किया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम 2 इंची देखिए इसकी लंबाई लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स हमें देखिए इस तरीका से इसे इस प्रकार से देखिए हमें एक गोल शेप दे देनी है। इस प्रकार से देखिए इस तरीका से हमें गोल शेप दे देनी है फ्रेंड्स। अब देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है ये डिज़ाइन बनाना। देखिए आप भी आराम से बना सकते हैं इसे ईजी तरीका से। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये कट चुकी है देखिए शोल्डर कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स हाफ हाफ इंच हमें देखिए यहाँ से इसको इस तरीका से देखिए कट करना है इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स इस तरीका से हमें इसको कट करना है। देखिए अब हम इसको साइड में रख देंगे। देखिए इस तरीका से हमारी देखिए शोल्डर कटिंग के लिए। अब देखिए हम जो स्लीव्स है देखिए हम इसको एक बीचों बीच देखिए एक टिक करेंगे, एक कट लगा देंगे इतने पर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें देखिए स्लीव्स इस तरीका से देखिए इसको बीचों बीच रखना है इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए और हम इस पर यहाँ से एक एक साइड से देखिए इस तरीका से हम सिलाई दे देंगे इस पर। देखिए फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ से देखिए इसकी देखिए कटिंग कर लेंगे। देखिए देखिए इस तरीका से हमें इसकी देखिए कटिंग करनी है। याद रखिए फ्रेंड्स हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरीका से देखिए आप लोग इस प्रकार से हमें देखिए फ्रेंड्स कटिंग करती जानी है इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कटिंग देखिए हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें इसमें छोटे छोटे देखिए कट्स लगाने हैं। हमारी सिलाई नहीं लेकिन फ्रेंड्स कटनी चाहिए। देखिए अब फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ से इसको इस साइड से देखिए अंदर की साइड इस तरीका से देखिए इसको यहाँ से मोड़ना है। देखिए अंदर की साइड इस तरीका से और देखिए फ्रेंड्स इस तरीका से हमें मोड़ते जाना है। और देखिए एक एक सिलाई हम ऊपर से फ्रेंड्स दे देंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स देखिए हमारी यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारे यहाँ पर रहा हम देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरीका से देखिए अंधा करते जाएंगे। और देखिए हम बाद में इस पर एक तुरपाई दे देंगे। देखिए हमारे पीछे का साइड इस तरीका से आया है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें इसके लिए देखिए एक इस तरीका की देखिए फ्रेंड रेड कलर की देखिए हमें एक पट्टी चाहिए जिसके देखिए फ्रेंड्स मैं लंबाई चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी चौड़ाई जो है देखिए फ्रेंड्स 3 इंच है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग देखिए 3 इंच है। और इसकी जो लंबाई है देखिए फ्रेंड्स 27 इंच है। 27 इंच है फ्रेंड्स इसकी लंबाई देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इसको पहले इस तरीका से हमें फोल्ड करना है और हमें देखिए राउंड में देखिए एक एक किनारे से देखिए इसमें एक सिलाई दे देनी है साइड साइड से। देखिए फ्रेंड्स इस तरीका से हमें इसको फोल्ड करना है और देखिए हमें एक एक सिलाई देती जानी इस पर। देखिए फ्रेंड्स देखिए अब हम इसमें देखिए पलेटें डालेंगे। पहले तो देखिए हमें इस तरीका से रखना है और इसको यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 1/2 इंच ही हमें छोड़ना है। इसमें प्लेटें नहीं डालेंगे हम। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरीका से देखिए पलेट उठाना है और इस प्रकार से इसे चापना है। और देखिए अब हम इस पर सिलाई करते जाएंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए हमें दूसरी प्लेट भी उठानी है इस तरीका से उठाना है और इसको भी इसी तरीका से देखिए हमें रख देना। और देखिए फ्रेंड्स हमें सिलाई झाड़ती जानी है इसी प्रकार से। फ्रेंड हमें सेम इसी तरीका से देखिए प्लेट बनाती जानी है। देखिए फ्रेंड्स इसी तरीका से देखिए हमें सारी की देखिए इसी प्रकार से देखिए हमें प्लेट बनाती जानी है। देखिए फ्रेंड हमारी फ्रिल देखिए ये बनके तैयार हो चुकी है।
अब देखिए फ्रेंड, हमें देखिए स्लीव्स को उठाना है इस तरीका से, और देखिए स्लीव्स को देखिए सीधी करके रखना है, देखिए उल्टी साइड नहीं रखना है। और इसको देखिए, इस फ्रिल को फ्रेंड देखिए हमें इस तरीका से यहाँ पर इस तरीका से देखिए रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर देखिए एक एक सिलाई दे देंगे साइड साइड से। देखिए इस तरीका से देखिए हम इस पर इसको देखिए यहाँ से अटैच कर देंगे इस तरीका से फ्रेंड। तो देखिए हम अब इसको इस स्लीव्स में देखिए अटैच करते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए अब हमें इस फ्रिल को देखिए इस तरीका से, देखिए पहले हमारी सिलाई लग चुकी है। अब देखिए हमें इस फ्रिल को इस तरीका से देखिए इस प्रकार से देखिए करना है इस तरीका से। और देखिए अब एक एक सिलाई फ्रेंड्स हमें देखिए यहाँ से दे देनी है इस पर। देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आएगी। देखिए एक एक सिलाई सिर्फ हमें देनी है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये जुड़ चुकी है। अब देखिए हमारी स्लीव्स बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए, और वैसे भी फ्रेंड्स आपने देखिए थंबनेल में तो आप देख ही चुके हैं किस तरीका से हमारी स्लीव्स देखिए पहनने में आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी देखिए इस पर फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। देखिए हम अपनी देखिए अब इस पर फिटिंग की सिलाई डाल देंगे फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये मेरा डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और हाँ, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।